नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक ली है, हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा तो लिया ही है इस बैठक में, लेकिन बड़ी बात यह कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है आने वाले 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर। सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को हक दिया जाएगा। उनका मिल के मजदूरों को 30 साल से परेशान चल रहे हैं, जो पैसे उनके बाकी थे उन्हें सरकार की तरफ से वापस दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की भी समीक्षा की अधिकारियों को, तो सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। मजदूरों के लिए वो दिन बहुत खास होगा और इसलिए तमाम तैयारियां अपने स्तर पर प्रशासनिक अमला दुरुस्त रखे। तस्वीरें उस बैठक की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों से वर्चुअली बातचीत की डॉक्टर मोहन यादव ने। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 25 दिसंबर का दिन होगा इंदौर में एक खास कार्यक्रम, हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम की तैयारी, उसका जायजा लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां सावन मेढ़ा में 152 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू रीति रिवाज के साथ मूल धर्म में घर वापसी कर ली है। इन लोगों के हाथ में कलावा बंधवाकर, गंगा जल पिलाकर और पैर पखारकर हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। बताया जा रहा है कि मिशनरियों के लालच के चलते इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। तो ये भी बताएं कि बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दर्जनों गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो ईसाई मिशनरीज के प्रमोटर्स के षड्यंत्र में आकर धर्म बदल चुके थे, लेकिन एक बार फिर से घर वापस। परिवर्तन के हिसाब से तो भाई, यानी शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पैसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते ना, पैसा भी नहीं देते, आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते। जो लोग आते हैं और यानी कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गांव में, उनको बोलते कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा, फिर उसमें फंसा लेते हैं। हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं, फिर लालच भी देते हैं कि तुमको नौकरी मिलेंगी ये मिलेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलती और फिर आदमी फंस जाता है। सही कि रिशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लगातार हम ये क्रम देखते आ रहे हैं, चूंकि घर वापसी का सिलसिला यहाँ पर भी हुआ है, क्या कुछ जानकारी रिशु से लेकर? जी देखिए अवंतिका, बैतूल के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे भीमपुर और भैंसदेही ब्लॉक जो है, यहाँ पर लंबे समय से ईसाई मिशनरीज जो है वो काम कर रही है, और जो भोले भाले आदिवासी हैं इनको इलाज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या नौकरी देने के नाम पर उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उनका धन परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जितने वादे ये मिशनरी के लोग आदिवासियों से करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं, जिसके कारण अब आदिवासी वापस अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लौटने लगे हैं। पिछले दो बार में लगभग 152 जो आदिवासी हैं वो वापस हिंदू धर्म में लौटे हैं। दो दिन पहले भी आदिवासियों को कलावा बांधकर, उनके पैर पखारकर मंदिर में उन्हें वापस हिंदू धर्म में अपनाया गया है। आदिवासियों का यह कहना है कि मिशनरी के लोग लगातार उन्हें लुभावने वादे करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, प्रार्थना सभाओं में बुलाया जाता उन्हें, इस तरह से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पहले भी लगातार एक दो सालों से इस इलाके में धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि जो वापस हिंदू धर्म में जो आदिवासी आए हैं उनमें महाराष्ट्र सीमा से लगे कई गाँव के भी आदिवासी शामिल हैं, जिन्होंने वापस हिंदू धर्म अपनाया है, और जो हिंदू संगठन के कई लोग हैं वो भी प्रयासरत हैं कि और भी इस तरह के लोगों को चिन्हित करके वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिशु जानकारी के लिए। और विदिशा का जिक्र, जहां एक कॉन्वेंट स्कूल में जय श्री राम बोलने पर बच्चों की पिटाई के मामले में केस दर्ज हो चुका है। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के द्वारा जांच के बाद भारत माता कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जांच टीम की माने तो पीड़ित बच्चों के बयान के बाद आरोप सिद्ध हुआ है। आपको ये बताएं कि 9 नवंबर को कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस के कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, इसके बाद स्कूल के प्राचार्य ने बच्चों की पिटाई की थी। मामला संज्ञान में आया, फौरन कार्रवाई, केस दर्ज हुआ। तो आपको बताएं कि विदिशा से जुड़ा हुआ पूरा केस है, स्कूल में कुछ बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उसके बाद मारपीट इन बच्चों के साथ हुई, प्रिंसिपल ने बुरी तरह से पीटा बच्चों को,
मामला संज्ञान में आया, उसके बाद बाल संरक्षण आयोग ने मामला दर्ज करवाया है। छात्रों की पिटाई से जुड़ा हुआ यह पूरा केस, लेकिन फौरन संज्ञान, प्राचार्य के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 9 नवंबर की पूरी घटनाएं, कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस का कार्यक्रम और उसी दौरान कुछ बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इसके बाद प्राचार्य की तरफ से पिटाई की जाती है इन बच्चों की और भारी बवाल मचा। लेकिन जैसे ही बच्चों की तरफ से इसकी शिकायत की गई, बाल संरक्षण आयोग की तरफ से फौरन इस पर संज्ञान, आरोप सिद्ध भी हुआ है, बच्चों की पिटाई यानी कि सच में हुई है। जय श्री राम के नारे लगाने के बाद से पूरा मामला बढ़ता चला गया, लेकिन अब प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगे देखने वाली बात की क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों की मारपीट और उसके बाद प्रबंधन के लिए अब लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आपने देखे होंगे, धार्मिक नारेबाजी जिससे स्कूल प्रबंधन कई बार नाराज होता है और इसके चलते बच्चों से मारपीट की जाती है। नतीजा ये कि बच्चों की शिकायत पर बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, विस्तार से मामला समझाइए और आगे क्या कुछ हो सकता है भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल, ये पूरा मामला बिदसा जिले के गंज वासौदा का है, जहां पर एक मिशनरी स्कूल में जो छात्र पढ़ते थे उसके द्वारा क्लास में जय श्री राम का नारा लगाया गया और उसके बाद जो स्कूल की टीचर थी उसके द्वारा इन छात्रों के साथ मारपीट की गई थी और मारपीट की जानकारी छात्रों ने अपने परिजनों को दी थी और इसकी सूचना पहले जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को खुद गंज वासौदा पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी और जांच के बाद ये पाया था कि जो बच्चे हैं उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है, खासकर धार्मिकता के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया था, तो इसके बाद उनके खिलाफ धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की अभ्यंतर जांच भी शुरू कर दी गई है। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में स्कूल के जो टीचर थे जिन्होंने ये मारपीट की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है और यदि कुछ और तरह की और सबूत निकल कर आए तो स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। तो बाल संरक्षण आयोग ने अब मामला दर्ज कर लिया और शैलेंद्र जिस प्रकार बता रहे हैं कि प्रबंधन के खिलाफ अगर केस दर्ज हुआ है तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। तस्वीरें उस समय की भी हम आपको दिखा रहे हैं जब परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया, स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए गए, लेकिन आरोप सिद्ध भी हुए और अब FIR दर्ज हुए। अगली बड़ी जानकारी खरगोन से, जहां 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए मासूम पहुंचा था, लेकिन हत्या के चलते मानिकेरा में हड़कंप की स्थिति। जांच मामले की लगातार चल रही है, पुलिस इस मामले को खंगालने का प्रयास करती हुई कि आखिर क्यों और किस परिस्थिति में इस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया, क्या कुछ एंगल रहा है इस पूरी घटना का, यह पता लगाने का प्रयास। 8 साल के मासूम की हत्या की जाती है, आपसी रंजिश भी इसके पीछे वजह हो सकती है। कई सारे मामले इससे पहले भी देखे इस प्रकार के, लेकिन खरगोन की इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या रही ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से। मासूम की हत्या के चलते इस इलाके में हड़कंप की स्थिति है, मानिकेरा का एक क्षेत्र बताया जा रहा है। शादी समारोह में बच्चा शामिल होने पहुंचा था, लेकिन ऐसा वहां पर क्या हुआ कि इस मासूम की लाश मिलती है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आशुतोष, पूरा मामला विस्तार से समझाइए। अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा, ये चैनपुर थाना है, जिरनिया तहसील है, इसका मानिकेरा गाँव है, वहाँ जिरिया फालिया है। बच्चा जो है मासूम बच्चा है 8 साल का, ये शादी समारोह में गया था, बहन भी इसके साथ थी और इस दौरान डांस वगैरह कर रहा था। इसी दौरान ये बच्चा जो है पास में कुछ खरीदी करने के लिए 10 रुपए लेके चला गया था और इस दौरान जब बच्चा नहीं मिला तो परिजन ने उसको ढूंढा है, तो रात में ढूंढा पर नहीं मिलने पर बाद सुबह उसकी लाश जो है नाले के पास माने देखी, पास में एक नाला है जहां पर बना और निर्मम हत्या की गई। खास बात है कि फांसी का फंदा लगा के, अभी अज्ञात आरोपी है, एडिशनल SP से बातचीत हुई, उनका कहना है कि हर बिंदु में पुलिस जांच कर रही है और SP धर्मवीर सिंह ने 3 STOP भीकनगांव के अगुवाई में 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस का एक विशेष दल बनाया और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी को पकड़ेंगे। हालांकि उनसे पूछा गया कि इसके पीछे क्या कारण लग रहा है, प्रेम प्रसंग या अन्य कोई कारण वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय है। ठीक है, यानी कि खुलासा होना अभी बाकी। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए।
और अगली बड़ी जानकारी मुरैना से, जहां पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस की रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड पड़ी। आपत्तिजनक हालत में 6 से 7 जोड़े मौके से पकड़े गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का मामला ऑरर हाउस और लीजेंडरी कैफे में छापा पड़ा था। सीएसपी के नेतृत्व में छापा मार कार्रवाई। हो सकता है कि पहले इस बारे में सूचना पुलिस को मिलती रही हो, लेकिन अब जब एकदम से पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो हड़कंप की स्थिति। आपत्तिजनक हालत में 6 से 7 जोड़े भी पाए गए। कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी थी। मुरैना से पूरी जानकारी आपके साथ साझा करें। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का पूरा मामला ऑरर हाउस और लीजेंडरी कैफे जो यहां पर स्थित है, हो सकता है कि अवैध गतिविधियों को लेकर पहले भी जानकारी लगी हो। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित बताइएगा, क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के दौरान? देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज कोतवाली थाना पुलिस और सीएसपी राकेश गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जो कैफे और रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान दो कैफे पर कार्रवाई की है, एक तो गर्ल्स कॉलेज स्थित हॉरर हाउस करके है और दूसरा बनखंडी रोड स्थित लीजेंडरी कैफे है। यहाँ पर अवैध गतिविधियों की लगातार शिकायत मिल रही थी, उसके बाद सीएसपी राकेश गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए यहाँ से 6 से 7 कपल्स के जोड़े पकड़े हैं, उनमें महिला पुरुष सहित बच्चे भी, कुछ छात्र भी हैं, और उन्हें लेकर के फिलहाल कोतवाली पुलिस ले आई है थाने में और कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पुलिस के संज्ञान में नहीं था। सुनील कैमरिया जो टीआई है उनको संज्ञान में था। उसके बाद अब जो हरकत में आई पुलिस, और 4 दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा लिखित में शिकायत की गई थी कि इस तरीके की अवैध गतिविधियां इन रेस्टोरेंट और कैफियों में की जा रही है, उसको लेकर के सीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवंतिका, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। गोगुंडा में जवान सर्चिंग पर निकले थे, इसके बाद नक्सलियों ने अचानक से हमला किया। 3 से 4 नक्सली की गोली लगने की भी खबर, चूंकि जवाबी कार्रवाई भी अब सुरक्षा बलों की तरफ से की गई। सुकमा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों ही तरफ से, पुलिस नक्सली मुठभेड़ एक बार फिर से, जहां सुकमा जैसे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। अगर नक्सलियों के छुपे होने की सूचना प्राप्त होती है तो हो सकता है कुछ और बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिले। फिलहाल ये जानकारी कि 3 से 4 ऐसे नक्सली हैं जिन्हें गोली लगी है। आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार अभी किया जा रहा है। महज खबर है। नक्सलियों के बीच हड़कंप की स्थिति, चूंकि सुरक्षा बल लगातार पीछे खदेड़ने का प्रयास करते हैं। और अब बात करते हैं झीरम घाटी हत्याकांड की। एनआईए वांटेड नक्सली की तलाश में जुटी हुई है। झीरम घाटी हत्याकांड में वांटेड आरोपी की सूची एनआईए ने जारी कर दी है, जिसमें 19 नक्सलियों के नाम शामिल हैं। आरोपियों पर घोषित हैं 7,00,000 से 50,000 रुपए तक के नाम। आपको ये भी बताएं कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। कांग्रेस नेताओं की हत्या हुई, 32 लोगों की जान जा चुकी थी। और उसके बाद अब ये जानकारी कि एनआईए की तरफ से कुछ ऐसे नक्सली जिनकी सूची जारी की गई, भारी भरकम इनाम इनके सर पर घोषित किया गया है। 50,000 से 7,00,000 जिसकी रकम बताई जा रही है। तो हत्याकांड में 32 लोगों की जान गई थी और इसे लेकर राजनीति भी लगातार आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन एनआईए एक बार फिर से सख्ती बढ़ाती हुई। और अब जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने 20 छात्रों को नोटिस जारी कर दिया है। छात्रों के बीच मारपीट हुई थी, यूनिवर्सिटी ने इसे रैगिंग माना है। पीड़ित छात्रों ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत की थी। शिकायत के बाद आरजीपीवी के आरोपी छात्रों को नोटिस भी जारी हुआ। 27 दिसंबर को उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देना होगा। आपको ये भी बताएं कि आरजीपीवी कैंपस में ही आपस में छात्र भिड़ गए थे और पेपर देने छात्र पहुंचे, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर जो झड़प शुरू हुई बहुत लंबी चली, मारपीट होती गई। पीड़ित छात्रों के शिकायत के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा भी किया था। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पहले इस घटना से जुड़ा हुआ था, सामने आया। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, जिसमें छात्रों के बीच मारपीट, लेकिन पीड़ितों की शिकायत के बाद फौरन प्रबंधन की तरफ से भी संज्ञान, यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया। 27 दिसंबर तक जवाब पेश करना।
और अब अगली खबर सागर से, जहां विवाद में दो परिवारों में गोलियां चल गईं। दो की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य लोग जो कि घायल अवस्था में हैं, सागर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए हैं। आगा सौथ के शेखपुर गांव का मामला, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से दोनों गुटों में शिकायतें थी और ये मारपीट जैसी जानकारी और उसके बाद फायरिंग तक बात पहुंच गई। दो परिवार आपसी रंजिश में गोलियां चली, दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत जबकि तीन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। दूसरी तरफ पुलिस जानकारी जुटाने का प्रयास करती है। और अगली खबर भिंड से, जहां नेशनल हाईवे पर बने पुल को 24 घंटे के लिए बंद किए जाने पर लोगों ने जान की परवाह किए बगैर रेलवे पुल के सहारे नदी पार की है। लापरवाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई इस दौरान। हालांकि गनीमत यह रही है कि एक भी ट्रेन इस दौरान रेलवे पुल से गुजरी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। आपको ये भी बताएं कि इस ट्रैक से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं, किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लगातार लोगों की लापरवाही बताती है कि लोग सतर्क नहीं है। इस मामले को लेकर भी भिंड का ये पूरा क्रम हम आपको बता रहे हैं। कोई दुर्घटना नहीं हुई है, आपको बताएं कि इस ट्रैक से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं, इसके बावजूद लोग यहां पर सतर्कता नहीं बरत रहे थे। बाल बाल बच्चे हैं लोग। 24 घंटे के लिए पुल को बंद किया गया था, हो सकता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, और लोगों को सूचना भी दी गई थी। सूचना मिलने के बावजूद लोगों की ये मनमानी कि इस ट्रैक को पार कर रहे थे, जबकि ये जानकारी उन्हें थी कि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहां से रोजाना पार होती हैं। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भिंड के लोगों ने लापरवाही बरती, जान को जोखिम में डाला। और बेंगलुरु की तर्ज पर इंदौर के बिजी चौराहों पर येलो जंक्शन बॉक्स मार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा है। लैंटन चौराहे पर इसे लागू कर दिया गया है। जिन चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वहां जल्द ही येलो जंक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। ये उपकरण कैसे लोगों को जाम से निजात दिलाएंगे, इसके लिए संवाददाता ने ट्रैफिक एक्सपर्ट सुमन सिंह से बातचीत किया। ये समझते हैं येलो जंक्शन बॉक्स आखिर क्या है। तो आपको बताएं कि येलो जंक्शन बॉक्स जिसका निर्माण करवाया गया है बेंगलुरु में, इसका उपयोग किया जाता है, और उसी की तर्ज पर इंदौर में एक नया प्रयोग येलो जंक्शन बॉक्स, जिसके जरिए माना जा रहा है कि एक बेहतरीन टेक्निक ट्रैफिक की व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए अपनाई जा रही है। हालांकि इंदौर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक का शिकार रहते हैं। अब ये देखने वाली बात कि इस नए प्रबंधन से, इस नई तकनीक से कैसे यहाँ पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने का प्रयास व्यवस्थाओं में किया जाता है। और अयोध्या की अब बात करेंगे, जहां भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। रामलला दोपहर 12:15 से दोपहर 12:45 के बीच विराजमान होंगे। मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ये शुभ मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त में 6 ग्रह अनुकूल मिले, भूमि पूजन का भी मुहूर्त उन्होंने ही निकाला है। बताया जा रहा है कि मुहूर्त निकालने में 1 हफ्ते का समय लगा है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे। तो ये वो समय है जिसका इंतजार हर एक देशवासी को है। 22 जनवरी तारीख पहले तय, और उसके बाद अब शुभ मुहूर्त भी आपके सामने दोपहर 12:15 से 12:45 तक का शुभ समय। अलग अलग पंडितों से जब कंसर्न किया गया, तब ये माना गया कि यही सबसे बेहतर समय होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।